हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू बोमा टियारा। आज है अनदर ब्लॉग और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी एक ब्लॉग शेयर करूँ आप लोगों के साथ, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था शूट करने का। तो आज है संडे और अभी बज रहे हैं 7, तो मैं शुरू करने जा रही हूँ आज का ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में क्या है स्पेशल, तो आज के ब्लॉग में आप देखोगे मैंने क्या ख़रीदा मेरी यूट्यूब अर्निंग से, और साथ ही साथ आप देखोगे मैं कैसे अपनी वीडियोज़ को शूट करती हूँ, और कुछ चिट चैट करेंगे। एंड जो स्पेशल बात है वो है मैं एक गिव अवे करना चाहती हूँ मेरे चैनल पे, क्योंकि 60K अभी कंप्लीट ही होने वाले हैं एंड ये सभी कुछ हुआ है आप लोगों की वजह से। तो एक छोटा सा गिव अवे भी करना चाहती हूँ जो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। एंड अभी मैं जाऊँगी नहाने और जल्दी से नहा के आके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो मैं करती हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी नहाने और मैंने कल ही बालों में ऑयलिंग किया है, और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो मैं क्या करती हूँ अपने हेयर केयर के लिए। तो अभी मैं रिसेंटली जो एक मंथ हो गया है मैं यूज़ कर रही हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का एक हेल्दी हेयर किट, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा फ्रिजी हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे इसके लिए कुछ तो करना ही था, तो मैं इसमें आता है एक हेयर वेल, एक शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कुछ इस तरह के हैं प्रोडक्ट्स। तो ये है वाव के अनियन हेयर केयर रेंज, जिसमें है ब्लैक शेड सॉयल, और ये हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्मूथ बनाता है। जैसे मैंने आपको कहा मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, तो ये रेंज मैंने सोचा है कुछ लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसको ट्राई करूँगी। और वाव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फ्री होते हैं सल्फेट, पैराबेंस एंड सिलिकॉन से, तो मेरा ये रीज़न था इस प्रोडक्ट्स को चूज़ करने का। एंड अभी मैं आपको बताऊँगी कैसे आपको इसको यूज़ करना है। वैसे हम सभी को ये ज़्यादातर लोगों को ये पता ही है, तो सबसे पहले हमें हेयर ऑयल को यूज़ करना है। हेयर ऑयल को यूज़ करने के लिए इसके साथ दिया है ये एप्लीकेटर कॉम्ब, जिसके हेल्प से आप इजीली अच्छे से ऑयल को लगा सकते हैं। एंड उसके बाद जो करना है अच्छे से मसाज करना है, एंड हाफ एन आवर के लिए इसको एटलीस्ट रखना है, या फिर शैम्पू करने से एक दिन पहले आप ऑयल को इस तरह से अच्छे से मसाज कर लीजिए। उसके बाद का जो स्टेप है वो है शैम्पू करेंगे, और शैम्पू की बात करें तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल लाइट है, इस तरह का जो फ्रेग्रेंस है इसका ये भी बहुत अच्छा माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है। तो शैम्पू करने के बाद जो हमें जो चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, अच्छे से शैम्पू को हमें क्लीन करना है, शैम्पू को बिल्कुल नहीं रखना है। एंड उसके बाद हम कंडीशनर को अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंडीशनर लगाना ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा कंडीशनर, एंड इसका जो टेक्स्चर है वो बिल्कुल लाइट है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी काफ़ी माइल्ड है। तो कंडीशनर को कभी भी बालों के रूट पर नहीं लगाना चाहिए, इसको बालों के लेंथ पे लगाना चाहिए। एंड लगाने के बाद इसको अच्छे से आपको क्लीन करना ज़रूरी है। और अगर आप वाओ के प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू स्कैन द क्यूआर कोड टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड फॉर एक्साइटिंग ऑफर्स बी वाओ। तो नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, बाकी सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी मैं करूँगी थोड़ा सा किचन को क्लीन करूँगी और उसके बाद करूँगी। और मेरे एक व्लॉग में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप क्या खाना नहाने के बाद नहीं बनाते हो, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे घर पर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या ब्रेकफास्ट में बना है। तो रोटी एंड सब्ज़ी एंड स्पेशल जो संडे स्पेशल बना है वो है रबड़ी एंड जलेबी, हमने बाहर से ख़रीद के लाए हैं। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी एंड उसके बाद मैं आप लोगों को लेके जाऊँगी किसी के घर पे। तो चलिए देखते हैं, तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ उसके बाद चलूँगी। और अभी हम आ गए हैं अद्विका जी के घर पे, जहाँ पे हमें खाने को मिलेगा वाटरमेलन फ्राई, ऑरेंज का भरता, यही सभी ये सभी वो बनाते हैं एंड हमें खिलाते हैं। रोज़ ही मुझे ये सब खाना पड़ता है, तो बस अभी वो बना रही है वाटरमेलन एंड ऑरेंज का कुछ बन रहा है यहाँ पे, और अभी हम लंच करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे अपनी वीडियोस की शूट करती हूँ। फटाफट से मैं जल्दी जल्दी से दिखाऊंगी। तो मैं कुछ इस तरह से अपनी वीडियोस की शूटिंग करती हूँ, जो अभी दोपहर का टाइम है पर बाहर इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि मुझे फुल लाइट जला के और वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। तो वीडियो को जब मैं शूट करती हूँ उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं,
अच्छे से बैकग्राउंड को ठीक करना होता है। एंड आप जो मेरी ज़्यादातर वीडियोस देखते हो, मैं इसी जगह पे वो शूट करती हूँ और बहुत ही तामझाम करना पड़ता है और फ़ैन भी नहीं चला सकते वीडियो जब शूट करते हो तो। कभी कभी तो मैं पसीने से बिल्कुल मतलब मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बस इस तरह से होता है वीडियो की शूटिंग। हाय गाइस, तो अभी मैंने जस्ट लंच कर लिया है, रियल वाला लंच। और मैं अभी दोपहर के टाइम को ही मैं ज़्यादातर वीडियोस की शूटिंग करती हूँ क्योंकि अभी अद्विका भी सो रही होती है एंड घर के बाकी लोग भी रेस्ट कर रहे होते हैं, तो मैं इसी टाइम पे करती हूँ। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है यूट्यूब अर्निंग से। तो ज़्यादा तो मेरी अर्निंग्स नहीं रही, पर जितना भी मैंने कमाया है उसको जमा के मैंने मेरी ये कैमरा जहाँ पे शूट हो रहा है ये वीडियो, ये लिया है। और पिक्चर आपको यहाँ पे डाल दूँगी। कैनन का कैमरा लिया है एंड मैंने एक रिंग लाइट लिया है, ये दो चीज़ें ही मैंने लिए हैं। और मैंने मेरी माँ को एंड मेरी मदर इन लॉ को गिफ्ट किया है एक वॉच। तो बस यही कुछ मैंने यूट्यूब अर्निंग से किया है और कुछ नहीं कर पाई हूँ, बस यही था। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को गिव अवे में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो गिफ्ट जो आपको मिलने वाला है वो है ज़वेरी पर्ल्स का ये नेकलेस, लॉन्ग नेकलेस जो कुंदन नेकलेस है। और कुछ इस तरह का नेकलेस है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल नेकलेस है और इसके साथ ईयरिंग्स आते हैं कुछ इस तरह के, तो ये मिलने वाला है आपको एंड आप लोगों को। एंड नेक्स्ट जो गिफ्ट है वो है ये नेकलेस, आपको मिलने वाला है और इसके साथ कुछ इस तरह के ईयरिंग्स, चांद वाली काइंड ऑफ ईयरिंग्स है, काफ़ी ब्यूटीफुल नेकलेस ये भी है। बहुत सारे आउटफिट्स के साथ आपका ये मैच होगा, तो ये मिलने वाला है। एंड और दो गिफ्ट जो है, चार लोगों को गिफ्ट मिलने वाला है। तो और दो गिफ्ट है ये दो स्लिंग बैग, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लिंग बैग कुछ इस तरह का है एंड इसके फुल इस तरह से धागे का वर्क किया हुआ है एंड पीछे भी इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। एंड ये स्लिंग बैग आपको मिलने वाला है, दो स्लिंग बैग, तो टोटल 4 पार्टिसिपेंट को गिफ्ट मिलेगा। और हाँ, गिव अवे का रूल क्या होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल है। आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है एंड आपको मेरे सब्सक्राइबर भी होना ज़रूरी है। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड ये दो चीज़ करने के बाद आपको इस वीडियो के नीचे आके डन बोलना है एंड दैट्स इट। तो बहुत सिंपल से रूल है, आप ज़रूर इसको कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। एंड मैं इस गिव अवे का जो रिज़ल्ट है उसको अनाउंस करूँगी नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को, तो आप पार्टिसिपेट कीजिए इस गिव अवे में। और बस, और अगर ये चैनल और भी ग्रो होगा तो और भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। अभी तो बस मुझे पता है बहुत ही कम है, पर ये जो भी हुआ है वो सभी आप लोगों की वजह से हुआ है, वरना मैंने ये सब चीज़ें सोचा ही नहीं था। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू एंड तो यही था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अभी के लिए मैं आपको बाय बोलूँगी एंड मिलूँगी आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।